हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितीश। सब आप देख रहे हैं फोर्स यानी कि एजुकेशन फोर्स सिविल। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों आज का जो टॉपिक है मेरा रेशियो ऑफ मोर्टार फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। दोस्तों आप अपने घर में जितने भी तरीके का काम करते हो वो सारे मैं आज बताऊंगा। उसे क्या रेशियो हम लोग यूज करते हैं, मोटार का क्या रेशियो होना चाहिए, सीमेंट और सैंड की क्या क्या रेशियो होनी चाहिए वो मैं आप बताता जाऊंगा। यहां पे मैं ले देता हूं टाइप्स ऑफ वर्क। यहां पर सीमेंट सैंड ये रेशियो है मेरा, टाइप्स ऑफ वर्क सीमेंट सैंड रेशियो। अब मैं धीरे धीरे करके एक एक करके बताता जाऊंगा। अगर आप दोस्तों हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हो तो पहले वो देख लो, क्योंकि उसमें मैं बताया हूं कि हम लोग मोटार को यूज क्यों करते हैं, ये क्या क्या हमें देता है, स्ट्रेंथ बल्क श्रिंकेज सेटिंग टाइम। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों पहला जो होता है आप घर में जब भी यूज करते हो, फर्स्ट फर्स्ट में स्टार्ट करता हूँ रिपेयरिंग से। मैं मानकर चल रहा हूं आपके घर में कहीं ना कहीं क्रैक्स आ चुके होंगे, रिपेयरिंग। रिपेयरिंग का अगर आप वर्क कर रहे हो घर में, आपके जो भी प्लास्टर वगैरह फट चुके हैं तो उसे आप क्या क्या रेशियो में डालोगे, तो उसके हमेशा ये याद रखना दोस्तों, इसकी जो रेशियो होनी चाहिए 1:1 की, 1:1 यानी 1 सीमेंट 1 सैंड। नंबर टू, ग्राउटिंग, ग्राउटिंग ऑफ कवर्स रॉक। अगर आप रॉक के पास मोटार यूज कर रहे हो, जो भी रॉक है उससे ढकने के लिए आप अगर मोटार भी यूज कर रहे हो तो उसकी जो रेशियो होनी चाहिए आपको 1:1.5 की, 1:1.5 की। नंबर थ्री, अगर आप प्लास्टरिंग वर्क यूज कर रहे हो, प्लास्टरिंग फोर, तो प्लास्टरिंग दोस्तों दो होते हैं, एक आप इंटीरियर में करते हो और एक आप एक्सटीरियर में करते हो। अगर आप इंटीरियर में कर रहे हो प्लास्टरिंग फोर, इंटीरियर अगर आप इंटीरियर के लिए कर रहे हो तो इसकी जो रेशियो होनी चाहिए इंटीरियर के लिए 1:5:6, 1 सीमेंट 5 सैंड या 6 सैंड आप डाल सकते हो। अगर आप एक्सटीरियर के यूज कर रहे हो नंबर फोर प्लास्टरिंग फोर एक्सटीरियर, एक्सटीरियर के लिए अगर आप यूज कर रहे हो तो इसकी जो रेशियो होनी चाहिए 1:3:4 तक, इससे ज्यादा वेरी नहीं करना चाहिए। होता यही क्या होता है कि हम लोग ये ध्यान देते नहीं है, कुछ भी डाल के आप कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे जो भी क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं कुछ दिन के बाद ही, 3-4 इयर्स 5 इयर्स जैसे गुजरते हैं या 7-10 इयर्स उसके बाद क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं बिल्डिंग में। नंबर फाइव, डीपीसी डैम्प प्रूफ कोर्स। और नंबर सिक्स, पेवमेंट कंस्ट्रक्शन। सो ये दोनों चीज का मैं लिखाऊंगी, ये दोनों का रेशियो जो होता है वो सेम होता है, ये दोनों का रेशियो 1:2 होता है। नंबर सेवन, मशीनरी वर्क इन सबस्ट्रक्चर, मशीनरी वर्क इन सबस्ट्रक्चर। एंड नंबर एट, नॉर्मल आरसीसी वर्क
ये दोनों का भी रेशियो सेम होता है 1:2 से लेकर 3 तक, यानी कि एक सीमेंट दो सेल या तीन सेल आप डाल सकते हो। नंबर 9, मशीनरी वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। इसमें जो रेशियो होता है 1:1 से लेकर 2 तक। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट थी जो मैंने आपको बता दिए, ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट थे, अभी मैंने आपको जितने सारे बताए। दोस्तों आप जब भी अपने घर की कंस्ट्रक्शन करो तो ये रेशियो कभी भी आप कम या ज्यादा ना करो, क्योंकि इसी रेशियो में आपको हमेशा फॉलो करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं ये सारी बातें बता चुका हूँ, और अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, मैं आपको जरूर इसका रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर ही करें, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ इस आपको तक आपके तक इस वीडियो को पहुंचाने में। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे विद अस।